सो गाइस क्या आप सभी लोग जब भी जी टी ए वाई सी टी गेम को खेलने जाते हो तो आपका जो गेम है वो क्रैश हो जाता है बार बार या फिर जी डी ए का सैनेंड्रिया हो सकता है या फिर जी डी ए का कोई भी गेम हो सकता है या फिर अदर गेम हो सकता है तो आज इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आप जी डी ए वाई सी टी गेम के अलावा सभी गेम्स के अंदर ट्राई कर सकते हो अगर आपकी जो विंडो है गाइस वो आपकी गेम को बार बार क्रैश कर देती है तो कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो या फिर आप जब भी जी टी ए वाई सी टी या फिर किसी और गेम के अंदर मोन इंस्टॉल करते हो तो आपका गेम क्रैश होने लगता है तो कैसे आप उसे फिक्स कर सकते हो गाइस का ओनली एक सॉल्यूशन है कैसे आप उसे सही कर सकते हो वीडियो के अंदर इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखें और अगर आप जी टी वाई गेम को अपने कंप्यूटर के अंदर खेलते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करो इस क्योंकि तो मैं जी टी ए के ऊपर बहुत सारे मोड्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कैसे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के अंदर दोस्तों बने रहिए इस वाली वीडियो के अंदर आपका गेम क्रैश की प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी गेम क्रैश आपका होगा पर उतना नहीं होगा जितना पहले होता था मैं बिल्कुल ऐसे शोर नहीं कह सकता कि आपका गेम बिल्कुल ही क्रैश नहीं होने वाला गेम क्रैश होगा पर

तो पता नहीं मतलब इसका क्या नाम है ऐसे ही कुछ नाम है जी टी ए मेरी आईलैंड तो देख सकते हो यहाँ पे ये गेम है मेरा क्रैश हो चुका है बार बार क्रैश हो रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कैसे मैं इसको फिक्स करूंगा तो देख सकते हो ये डेस्कटॉप पे डला हुआ है तो डेस्कटॉप पे इसका फोल्डर है जी टी ए मेरी आइसलैंड के नाम से तो यहाँ पर आपको अपना जो माई कंप्यूटर उस पर क्लिक करना है अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है राइट क्लिक करके तो अगर ऐसे नहीं जा सकते तो आप क्या करो मैं इसको आपको कट करके बता देता हूँ तो देख सकते हो मेरे कंप्यूटर में टू जी बी रेम है और विंडो सेवन है थर्टी टू बिट तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ तो वैसे इसको क्लिक करना है वैसे आपको तो मैं आपको

अप्लाई करनी पड़ेगी तो देख सकते हो यहाँ पे मैं वैसे इसको रिमूव कर देता हूँ तो देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार का है तो मैं यहाँ पे आप इस आपको ऐड करके बताऊँगा तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे जी टी ए सिलेंडी या जी टी ए वाई सी डी जी टी ए थ्री कितने सारे गेम डले हुए हैं क्योंकि गेम क्रैश होते रहते हैं मोड इंस्टॉल करने के कारण तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखा रहा होगा सिंपली उस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपने जो भी आपका गेम क्रैश हो रहा है उसकी दोस्तों जो फाइल होती है मेन फाइल उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ तो डेस्कटॉप टॉप पर हमारा फोल्डर था जी डी ए मेरी आईलैंड के आइसलैंड के नाम से तो यहाँ पे फोल्डर है तो यहाँ पे इस वाली फाइल को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ओके ओपन पे प्रेस करना है तो देख सकते हो यहाँ पे फाइल आ चुकी है उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है ओके पे प्रेस करना है और यहाँ पे ओके पे प्रेस करना है अब आप अपने गेम के अंदर जाइए आपका जो गेम क्रैश है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी आपका गेम क्रैश फिर भी होगा एक या दो बार क्योंकि ये प्रॉब्लम विंडो के अंदर आती रहती है नॉर्मल बात है आइस तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए